क्रम्स लगा के इसको फ्राई कर लेना है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से भी चीज़ जो है वो निकल रही है, ठीक है। ये बच्चों के लिए एक बहुत ही हेल्दी और टू मच टेस्टी है और स्नैक्स। इसे बच्चों के लिए ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये केक्स कैसे बने। आपके पास जो आपको पसंद है नट्स आप वो डाल सकते हैं, खोपरा भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं। मुझे किशमिश ज़्यादा पसंद है तो मैंने सिर्फ किशमिश ऐड की है, खोपरा मुझे नहीं पसंद और भी चीज़ें मुझे नहीं पसंद तो मुझे सिर्फ किशमिश पसंद है, मैंने सिर्फ उसमें ऐड की है। आपको जो जो आप खाते हैं नट्स आप इसके ऊपर वो डाल सकते हैं, ओके। पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक एट द टाइम पहुँचती रहे। स्टे विथ मी। पसंद आती है मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक एट द टाइम पहुँचती रहे। स्टे विथ मी। अल्लाह हाफिज़। वीडियोस पसंद आती हैं मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियोस आपको एट द टाइम पहुंच जाए। स्टे विद मी। पसंद आती है मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक एट द टाइम पहुंचती रहे। स्टे विद मी। अल्लाह हाफिज़। आएगा इसमें और बाकी मैंने इसमें ऐड की हुई है कुटी हुई मिर्च और पिसी हुई मिर्च और सॉल्ट, ओके। तो ये गरम गरम रोटी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं या अगर आप राइस के साथ भी खाना चाहें तो आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। वैसे ये गरम गरम रोटी के साथ ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये, बाकी इट्स अप टू यू, आपको जैसे दिल चाहे खाना है आप खाइए इसको। और मेरी रेसिपीज़ को आप ट्राई ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताया भी कीजिए कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपीज़। ये देखिए अभी ये गोल्डन होना शुरू होगा, ये देखना अभी गोल्डन होना शुरू हो गया ये। थोड़ी सी और भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी और फिर इसके अंदर ऐड कर दूंगी। वीडियोस पसंद आती हैं मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक एट द टाइम पहुंचती रहे। स्टे विद मी। लव फेस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूडीज बाय फेस। मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ क्रोकेट्स की। ये क्रोकेट्स स्पेशली फॉर किड्स हैं इसलिए इसमें बहुत कम मसाला है। इसकी इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैंने ली है पोटैटोस, चीज़, ब्रेड क्रम्स, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, ठीक है। हमने आलू ले लेने हैं, उसको बॉईल कर लेना है। आलू को बॉईल करने के बाद फिर उसको मैश करके इसमें हमने चीज़ डाल दी है और नमक और काले मिर्च, ये डाल के इसको इस शेप में हमने रखना है ऐसे, इस शेप में रखने के बाद फिर इसके ऊपर क्रम्स लगा के इसको फ्राई कर लेना है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से भी चीज़ जो है वो निकल रही है, ठीक है। ये बच्चों के लिए एक बहुत ही हेल्दी और टू मच टेस्टी है और स्नैक्स। इसे बच्चों के लिए ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये केक्स कैसे बने। वीडियोस पसंद आती है मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आपको एट द टाइम पहुँचती रहे। स्टे विद मी। अल्लाह हाफिज।